गाना था हिंदी में और इंग्लिश में हम गाना गए, और प्रभु का बरकत हमारा ऊपर जरूरी है और उनका जो रहम है हमें जरूरी है, परमेश्वर का जो रहम है, दया है, करुणा है, हमारे जीवन में जरूरी है। तो हम अगर हम जीते हैं तो परमेश्वर की दया से, अगर हमारा मृत्यु होता है वो भी परमेश्वर की दया से। हम जीते हैं और अगर मरते हैं तो परमेश्वर की मर्जी चलती है। हम महसूस कर नहीं पाते, लेकिन हमें सभी महसूस करना चाहिए कि देर इज ए पावर, सुप्रीम पावर जो पूरा दुनिया को चलाता है, एक शक्ति है जो दुनिया को चलाता है। सूरज ठीक समय पर उगता है, ठीक समय पर अस्त होता है, चंद्रमा, तारा, सारे विश्व मंडल हम महसूस करते हैं। अंधेरा होता है, दिन होता है, बारिश होता है, सर्दी होता है, गर्मी होता है, वो कौन कराता है? कभी कोई सोचा? इस इज द सुप्रीम पावर, कोई एक पावर है, कोई एक शक्ति है, उस शक्ति को, उस पावर को हम गॉड के रूप से मानते हैं, भगवान के रूप से मानते हैं, ईश्वर के रूप से मानते हैं। वो ताकत है, उसको हम महसूस करते हैं। बच्चा पैदा होता है, किसका देन है? ऊपर वाला का देन है, तो वो गॉड का देन है। कोई अगर मृत्यु होता है, इसका कारण से मृत्यु होता है, ऑफकोर्स एक्सीडेंट होता है, सुसाइड करते हैं, बहुत सारे कारण हैं, लेकिन हमारा जीवन वो भी गॉड्स का प्लान होता है। हमें टाल नहीं सकते हैं कि वो परमेश्वर का इच्छा नहीं था, वो भी कहीं ना कहीं इच्छा होता है, परमेश्वर का प्लान होता है, उसको हम समझ नहीं पाते। इसलिए हमें परमेश्वर को समझना है, परमेश्वर को हमें महसूस करना है, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है, वो सर्वव्यापी है, वो आत्मा है, वो ओमनी प्रेजेंट है, हर जगह पे मौजूद है। सिर्फ आपको महसूस करना है, उसका जो आशीष रोज हमको मिलता है, वो आशीष को हमें महसूस करना है। एक एक पल परमेश्वर हमारा ख्याल रखता है, इस चीज को हमें महसूस करना जरूरी है। आइए हम आज का आराधना शुरू करेंगे। हमें